नमस्कार दोस्तों, भारत की पवित्र नगरी काशी को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। काशी के 84 घाटों में से एक विशेष मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहां जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है एवं यहां पर 2400 घंटे होती है दाह संस्कार। आज हम आप काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से जुड़े महत्व की जानकारी इस वीडियो में देंगे। कहा जाता है कि किसी के मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शिव मरने वालों को तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर ही हो। जानकारी के लिए बता दें कि मणिकर्णिका घाट गंगा नदी किनारे स्थित है तथा यहाँ पर पहुँचने के लिए दो मार्ग उपलब्ध हैं। उनमें से एक स्वयं गंगा नदी है, जहाँ पर आप नाव के माध्यम से पहुँच सकते हैं। दूसरा है सड़क मार्ग, जो कि काशी के विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार व गगनव्यापी क्षेत्र के समीप मणिकर्णिका द्वार से आरंभ होता है एवं बनारस की छोटी गलियों से होकर गुजरती है, जिसे मणिकर्णिका गली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा नदी के किनारे एक कुंड है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि यह कुंड काशी में गंगा नदी से भी प्राचीन है तथा भगवान शिव व माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ जगत पालनहार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था। स्नान के समय अवधि में माता पार्वती का कर्ण फूल इसी कुंड में गिरा था, जिसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला था। काशी की पवित्र पंचकोशी यात्रा इसी स्थान से आरंभ होती है। मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया था, इसी कारण से इस तीर्थ को महाश्मशान घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर एक प्राचीन ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है। से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर स्वयं मृतक जीव के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे मृतक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी के इस महाशमशान घाट पर चीता की अग्नि कभी शांत नहीं होती है, अर्थात पूरे वर्ष 24 घंटे यहाँ किसी न किसी का दाह संस्कार होता रहता है एवं यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 300 दाह संस्कार किए जाते हैं। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।